हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और आज मैं आप लोगों से प्रिया नर्सरी शेयर करूंगी। और इनके यहाँ अभी कल ही इनके यहाँ कुछ न्यू प्लांट आए हुए हैं, तो मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ जो भी नए कलेक्शन वगैरह नर्सरियों में आते रहते हैं। तो प्रिया नर्सरी में कौन कौन से नया कलेक्शन आया हुआ है वो मैं आपको प्राइस के साथ शेयर करूँगी, और कुछ तो बहुत ही यूनिक प्लांट हैं वो भी शेयर करूँगी, और कुछ आप लोगों के लिए सस्ते प्लांट भी शेयर करूँगी जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और प्राइस भी आपको ये 50 रुपीज़ के अंदर या 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। और इनके यहाँ हैंगिंग बास्केट वाले बहुत खूबसूरत प्लांट आए हैं, तो ये भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। रोज़ के भी बहुत सुंदर कलेक्शन आया हुआ है, क्लाइंबिंग रोज है, हाइब्रिड रोज है, तो रोज़ भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसके अलावा एक पॉट में दो कलर के गुलहर हिबिस्कस, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये भी न्यू कलेक्शन है इनके यहाँ। तो जो भी कलेक्शन है वो मैं आप लोगों से एक एक करके शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और मैं अक्सर आप लोगों के लिए ऐसे प्लांट ढूंढ के लाती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत सस्ते हो, यूनिक हो। तो आइए देखें इनके यहाँ कौन कौन से प्लांट और उसके प्राइस है। तो इनके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी होती है, यानी कि ये दिल्ली के आसपास एरिया में ये प्लांट भेजते हैं, और फ़ोन करके इनसे अपने यहाँ दिल्ली के जो आसपास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं वो प्लांट मंगा सकते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं भेजते हैं, दिल्ली से बाहर इनके प्लांट नहीं जाते हैं, ये होम डिलीवरी ओनली करते हैं। तो अगर दिल्ली में जो रहते हैं वो प्लांट मंगा सकते हैं। तो देखिए ये पीली चमेली है, येलो जैस्मिन है, जो कि आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, और प्लांट और फूल तो देख ही सकते हैं भर भर के आया हुआ है, तो ये प्लांट ज़रूर ले जाएँ। और इसमें खुशबू नहीं होती है, मैंने खुशबू देखा तो इसमें खुशबू सूंघ के देखा तो खुशबू नहीं थी, तो ये आप मात्र 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और ये देखिए ये 150 में आपको ये 10 इंच के पॉट में मिल जाएगा। इसमें बता रहे थे कि दो कलर के गुलहर लगे हुए हैं एक ही पॉट में, और जो प्लांट की साइज़ थी काफ़ी बड़ी थी, और दिखा रही थी कि इसमें दो कलर के फ्लावर हैं, तो ज़्यादातर रेड कलर के ही थे, रेड पिंक थे, और कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन बता रही थी कि दो कलर के प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए हैं, जो कि आप 150 में ले जा सकते हैं। इसके अलावा और भी इनके पास हाइब्रिड हिबिस्कस है, चाइनीज हिबिस्कस है, जो कि आप ले जा सकते हैं। ये भी सारे न्यू कलेक्शन इनके यहाँ आया हुआ है, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर है, रेड है, पिंक है, येलो है, तो आप यहाँ से गुलहर ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे और हेल्दी प्लांट इनके आए हुए हैं, लेकिन सारे पुणे वाली वेराइटी है और सारे रेड सॉइल में लगे हुए हैं। और ये इनके यहाँ जो बेल रोज है, जो कि आप 72 जो पॉली बैग में है वो 70 रुपये में, और जो पॉट में है वो 90 रुपये में, यानी 90 रुपये में ले जा सकते हैं, और बहुत सुंदर और हेल्दी प्लांट है, और देखा जाए तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और फूलों से पूरा भरा हुआ है। देखिए ये बेल रोज है, तो ऐसे छोटे छोटे पूरा ऊपर की तरह बेल में इसके फ्लावर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है, तो आप यहाँ से बेल रोज ले जा सकते हैं। और हाइब्रिड रोज का भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, जो कि आप यहां से 80 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। सारे कलर आपको यहां मिल जाएंगे, और ये भी पुणे वाली है, रेड सॉइल में ही है, और प्लांट का अच्छा कंडीशन, अभी कल ही इनके यहां सारे ये प्लांट आए हुए हैं, तो आप यहां से रोज ले जा सकते हैं। कलर आपको सारे मिल जाएंगे, पिंक, वाइट, येलो, पर्पल, सारे कलर मिल जाएंगे। और कश्मीरी रोज भी आया हुआ है, तो कश्मीरी रोज भी काफ़ी अच्छे इसमें हेल्दी प्लांट है, तो आप यहाँ से रोज देख के ले जा सकते हैं। और देखिए ये लेमन ग्रास है, तो मुझे ये साइड में रखा हुआ मिल गया, बहुत बड़े प्लांट था, जो कि आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो लेमन टी बनाइए या सिर्फ बॉयल पानी में इसको करके इसके पत्तियों को पीजिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, तो ये लेमन ग्रास ज़रूर ले जाएँ, हर्बल प्लांट तो रखनी ही चाहिए। और देखिए इधर गंधराज है, गार्डेनिया है, जो कि आप मात्र 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो अभी सीज़न थोड़ा ये है, तो बहुत हेल्दी प्लांट है, 50 रुपये में ले जा सकते हैं, काफ़ी खुशबू रहती है गंधराज में। तो इनके यहाँ बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ है, और ये भी इस बार फिर दोबारा ये लेके आए हैं लहसुनिया बेल, यानी गार्लिक वाइन,
और इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये आप 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। प्लांट की हाइट काफ़ी अच्छी है, बड़ी हाइट है इसकी, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छा और सुंदर बेल है ये, इसके पर्पल लाइट पर्पल बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। और ये देखिए ये पोनसेटिया है, 250 में ले जा सकते हैं। एक तो रेड कलर है, एक पिंक कलर है, दो कलर आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और कुछ इनके यहाँ बास्केट वाले प्लांट आए हुए हैं जो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, काफ़ी यूनिक प्लांट है और कुछ के तो नाम मुझे भी नहीं पता। 240 में आप ले जा सकते हैं। और सारे जितने भी इसमें प्लांट लगे हुए हैं ये आप 240 में ले जा सकते हैं। बहुत यूनिक है और कुछ तो कॉमन प्लांट है और पॉट के साथ है, तो ये बता रही थी कि ये पॉट के साथ 240 है। और ये जितने भी प्लांट मैं दिखा रही हूँ वो जिसके पास जगह कम हो और या 2-3 घंटे की धूप आती हो ये इन प्लांटों को लगा सकते हैं, लेकिन पूरे जो शेडी एरिया है उसमें ना रखें, पत्ते ख़राब हो जाते हैं। धूप तो किसी प्लांट को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हल्की या तेज हो। और ये सब तो मनी प्लांट की वैरायटी है, मार्बल पोथोस है, गोल्डन पोथोस है, फर्न है, और तो फर्न की 2-3 वैरायटी इन्होंने लगा रखी है। और ये बोट लिली है, वेरीगेटेड बोट लिली है, तो बहुत सुंदर इन्होंने लगा रखा था। काफ़ी हेल्दी प्लांट है बास्केट में, और 240 में आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो सुंदर कलेक्शन है हैंगिंग पॉट वाले का, तो ये छोटे से जगह के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है हैंगिंग पॉट बास्केट वाले प्लांट, और जिसके यहाँ कम धूप आती है। और ये तुलसी है जो कि आप 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और देखिए ये एंथोरियम है, तो ये एक पिंक कलर में, एक रेड कलर में, जो कि आप 250 में ले जा सकते हैं। छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा है। इधर जरबेरा है, जरबेरा का 2-3 कलर है, रेड येलो पिंक है, जो कि आप 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। ये भी छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इनके यहाँ जो देसी परमानेंट प्लांट तो आए हुए हैं और कुछ यूनिक प्लांट भी आए हैं। देखिए ये अडेनियम है, अडेनियम 350 में ले जा सकते हैं। तो ये कलथिया है, कलथिया की बहुत सारी वेराइटी आई है जो कि 420 में ले जा सकते हैं। बहुत यूनिक प्लांट है कलथिया का, और डिफरेंट कलथिया है। कलथिया में ये रेयर प्लांट है, तो रेयर प्लांट के जो दाम होते हैं कुछ ज़्यादा रहते हैं। और ये मोनेस्ट्रा है, ब्रोकन मोनेस्ट्रा है, ये भी 420 में ही है और पूरा पॉट भरा हुआ। छोटे से पॉट में ये सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो रेयर प्लांट जो होते हैं उनके दाम कुछ हाई रहते हैं, चाहे किसी भी नर्सरी में जाइए, ऑनलाइन तो और 1000 से ऊपर रहता है। और ये गोल्डन साइप्रस है जो कि 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और 220 में है। काफ़ी अच्छी हाइट है और पॉट की हाइट इसके लिए एनफ है, 10 इंच काफ़ी है। और ये अर्थ स्टार है, बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा था। और ये बिल्कुल जो सांप के जो स्किन रहती है उसकी तरह इसके पत्ते लग रहे थे, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी लाइफ 10 ईयर्स से ज़्यादा आपके गार्डन में ये चल जाएगी। और इधर ये जो देख रहे हैं ये बोनसाई है जो 650 में ले जा सकते हैं। और इधर कुछ केन पाम है, मोनेस्ट्रा है, बहुत सारी 2-3 हैं जो आप यहाँ से दाम पूछ के ले जा सकते हैं। जो उनकी वाइफ थी उनको दाम नहीं पता था इन सब की, तो आप अगर वहाँ जाए तो देख सकते हैं, दाम पूछ सकते हैं। तो दाम मुझे ठीक से मालूम नहीं, इसलिए मैंने इसकी प्राइस मेंशन नहीं की है। और इधर कुंदा है, कुंदा आप 80 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और बड़ा प्लांट आया हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू होती है विंटर सीजन में, बहुत सुंदर से ये फ्लावरिंग करता है। और इधर ये देखिए ये जूनीपर है और 200 में है ये, और ये भी 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। साइज काफ़ी बड़ी, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और ये ड्रेसिना की इधर वेराइटी है जो कि 2-3 तरह के ड्रेसिना आपको मिल जाएगा 220 में। एक तो वाइट वाला में है, एक पिंक वाला में है, एक ब्राउन कलर बता रही थी, उधर पानी लगा हुआ था इसलिए मैं जा नहीं पाई। और ये लेरोपोटेनम है, लेरोपोटेनम भी बहुत खूबसूरत है, अभी इस टाइम में बहुत खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। इधर इन्होंने स्ट्रॉबेरी लगा रखा है पॉट में, तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, पॉट में 100 रुपीज़ है।
और इधर ये सिनेरिया है। सिनेरिया आप 50 रुपीज में पॉट में लगा लगाया ले जा सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, 50 रुपीज बहुत अच्छा है, आप ले जा सकते हैं। और इधर प्राइम रोज है, प्राइम रोज भी पॉट में लगा हुआ है, वो ये 100 रुपीज में है। कलर आपको सारे मिल जाएंगे इसमें, और कुछ कुछ में कलर दिख रहे थे, कुछ कुछ में कलर नहीं दिख रहे थे। तो ये लगा लगा हुआ ये प्राइम रोज आप 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। जिसकी यहाँ कम धूप आती हो, 2-3 घंटे की धूप ये प्लांट लगा सकता है, इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सीजनल प्लांट है, सिर्फ विंटर तक ही चलता है, ज़्यादा गर्मी होने पर मर जाता है। और ये मोर पंखी है, तूजा है, तो ये आप 80-100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। यानी पॉली बैग वाला जो है वो आपको 80 रुपीज़ में मिलेगा, और जो पॉट में लगा लगा हुआ पॉट है वो आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। तो बहुत सुंदर कलेक्शन है, और इनके यहाँ ये प्लांट आते रहते हैं, और मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और भी इनके यहाँ फ्रूट प्लांट है, थोड़े बहुत हैं, और परमानेंट बहुत सारे प्लांट हैं। और देखिए दिखा रही थी, पचमुखी हिबिस्कस है, जो कि आपको 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, रेड कलर में। आप पॉट के साथ 150 में ले जा सकते हैं। देख ही सकते हैं प्लांट की ग्रोथ कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है। और इधर ये अमरूद है, गुआभा है, जो कि आप यहाँ से 120 में ले जा सकते हैं। ड्वार्फ वाली वेराइटी है। और इधर स्पाइडर प्लांट है, जो कि काफ़ी हेल्दी है, एक साथ 2-3 प्लांट निकले हुए हैं, और ये आप 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर दिखता है स्पाइडर प्लांट, और इसके रनर से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। छोटे से पॉट में भी ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये कुछ कलेक्शन थे यहाँ प्रिया नर्सरी में। और ये देखिए कुंदा नहीं, ये चमेली है। चमेली और कुंदा के फूलों में थोड़ा सा अंतर रहता है, पत्तियों में भी अंतर रहता है। तो ये आप ये 120 में ले जा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और देख ही सकते हैं कि ये भी इनके यहाँ न्यू प्लांट आया हुआ, ऐसे छोटे छोटे कलियाँ बनती हैं, ढेरों इसमें फ्लावर आते हैं। और ये भी एक बेल ही बोल लीजिए, लेकिन ये काट छाट के रखिएगा तो पॉट में भी बहुत अच्छी तरह से ये चलता है। तो देखिए ऐसे इसमें फ्लावर आते हैं, तो बहुत खुशबू होती है इसमें भी, और ये भी बहुत खूबसूरत बेल है। विंटर में बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है इनके यहाँ। अगर आप ये जस्ट कमलेश नर्सरी के बगल में है, ये अच्छे धाम के अपोजिट लिंक में है, जो जाते हैं अच्छे वो हीना हीना रामराज नर्सरी के बगल में ही है ये। तो आप इनके यहाँ से प्लांट ले जा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रहता है। तो जाते जाते यही बोलूँगी कि इनके यहाँ से जो येल्लो जैस्मिन ज़रूर ले जाएँ। देख ही सकते हैं 50 रुपये में कोई मैं इसकी खूबसूरती में कहीं भी कमी नहीं। और देखिए ऐसे भर भर के फ्लावर आते हैं। और इसके अलावा आप पचमुखी हिबिस्कस भी ले जा सकते हैं, पॉट में लगा लगाए हुए प्लांट है। और देख ही सकते हैं एक ही फूल कितना खूबसूरती बढ़ाए रखेगा, गुच्छों में ये आता है। और लेमन ग्रास तो ज़रूर ले जाएँ, और इसकी हाइट देख ही सकते हैं, और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और एक बार ले जाइएगा तो इसके नीचे से बहुत सारे प्लांट निकलते हैं। तो ये पीछे की ओर छुपा हुआ है, तो बहुत लोग देख नहीं पाते, इसलिए मैंने शेयर कर दिया है। तो इनकी है ये 3 प्लांट ज़रूर ले जाएं, और गार्डेनिया भी ले जा सकते हैं, 50 रुपीज़ में काफ़ी पुराना हेल्दी प्लांट है। तो मैं अक्सर आप लोगों के लिए ये चुन चुन के निकाल के आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ, ताकि आप यहाँ से ले जा सकें। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।